the speakers we have with us. First, we have with us Professor Sanjay Rai. He has already been patronizing our programs. He is the professor of Center for Community Medicine at AIIMS New Delhi. He is the editor of prestigious WHO East Asia Journal of Public Health. He is also the president of India's largest public health body, that is Indian Public Health Association. Also on the committees, government committees related to vaccination and other important committees who are into the policy making for COVID management and other healthcare issues. We have with us, welcome to you, Dr. Rai. Welcome, sir. We have with us Dr. Amitabh Banerjee. Namaskar, sir. Dr. Amitabh Banerjee is currently working as professor and head of community medicine at D.Y. Patil Medical College, Pune. In his role, he has also served as medical officer, epidemiologist at Indian Armed Forces and associate professor of community medicine at Armed Forces Medical College. He comes with the background of armed forces. Being an epidemiologist himself, we can definitely have some numbers crunching with him while we discuss with him. So over to Kishore Malviji to take up with Dr. Rai, then I'll take a few questions with Dr. Banerjee. Thank you, Dr. Swadeep. वेलकम प्रोफेसर संजय राय. मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी 100 करोड़ का आंकड़ा हमने पार किया, प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की, क्या ये जश्न मनाने का समय है या सर अभी लंबी यात्रा बाकी है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड रियली इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट. देखा जाए व्हेन वी स्टार्टेड आवर दिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑन 16th of January, ऑलमोस्ट वर्ल्ड के किसी भी एजेंसी ने कहीं नहीं कहा था कि बाय दिसंबर भी हम 50 करोड़ पहुंच जाएंगे. सो अगर उस हिसाब से देखा जाए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्टर्ड, तो इट्स ए रियली ग्रेट अचीवमेंट और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने लॉजिस्टिक मैनेज किया, इवन रिमोट एरिया में भी वैक्सीन पहुँचाया, एडल्ट वैक्सीनेशन इन 9 months 4 days टाइम, 100 करोड़ वैक्सीन आना जो है रियली इनोकुलेट कर देना एडल्ट पॉपुलेशन को, यह जो है एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है आई कैन से. ये इनोकुलेट करना वो अलग हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसका साइंटिफिक बेसिस कितना है, वह जो है सबको 100 करोड़ को जरूरी था या नहीं, क्या ये वेस्टेज है, बट इन टर्म्स ऑफ इनोकुलेशन डेफिनेटली इट्स ए ग्रेट सक्सेस. और फ्यूचर में भी ये शो करता है कि अगर पॉलिटिकल कमिटमेंट हो, पॉलिटिकल विल हो, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल. हिंदुस्तान जैसी कंट्री के लिए कि वैक्सीन खुद जो है डेवलप करना एंड इनोकुलेट कर देना 100 करोड़ पॉपुलेशन को, एडल्ट पॉपुलेशन को, इवन 18 ईयर्स ऑफ पॉपुलेशन विद इन 9 month टाइम, तो रियली जो है और दैट इंजेक्टेबल विथ 2 डोज वैक्सीन, तो ये अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है. और हमें जो है इसको सेलिब्रेट करना चाहिए जिस वे में सारे हेल्थ केयर वर्कर, हमारे हेल्थ केयर जितने प्रोवाइडर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी, पॉलिटिकल कमिटमेंट जिस तरीके का है, ये सब जो है कहा जा सकता है कि अद्भुत है. उस टर्म में ये नहीं था. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू 100 करोड़ और दो पार्ट था ना ऑफ योर क्वेश्चन. What was the second part? और लंबी यात्रा तय करनी है, क्या करना है? हाँ, जहां तक लंबी यात्रा तय करनी है तो हमें थोड़ा इसमें मैं ये कहूंगा कि थोड़ा रेशनल होना चाहिए. देखिए नाउ ये सार्स कोरोना वायरस 2 जो है करीब 1.5 साल से ज्यादा हो गया पुराना वायरस, ग्लोबली जो है हम काफी एविडेंस जनरेट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 100 पब्लिकेशंस कि वैक्सीन जो है कितना जरूरी है, किस ग्रुप में जरूरी है, नेचुरल इम्यूनिटी कितना प्रोवाइड करता है, नेचुरल कितना जरूरत है, क्या सबको वैक्सीन लगाने से एडिशनल बेनिफिट होता है. तो पब्लिक हेल्थ में हम हमेशा रिस्क एंड बेनिफिट का एनालिसिस करते हैं. जैसे कि वैक्सीन, जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, वैक्सीन अगर मैं 10 लाख एडल्ट पॉपुलेशन को कोविड होता है 10 per million पॉपुलेशन, तो 1.5% एडल्ट में ग्लोबल डेथ्स है, तो करीब 15,000 पीपल विल डाई बिकॉज ऑफ कोविड, अगर उनको कोविड हो रहा है
ससेटुअल पॉपुलेशन है 10 लाख लोगों को 45 साल से ऊपर है, तो वैक्सीन जो भी ग्लोबल एविडेंसेज अभी तक है 80-90% वैक्सीन इज रिड्यूसिंग सीवियरिटी एंड डेथ, सो ऑलमोस्ट 13,000-14,000 अगर हम ससेटुअल पॉपुलेशन एबव 45 ईयर्स को देते हैं तो हो सकता है 13,000-14,000 जो है हो सकता है कि लाइफ बचा लें। देर आर सम वैक्सीन एसोसिएटेड रिस्क आल्सो, बट वो बहुत ही रेयर है, 10-15 के आसपास है, चाहे थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, हार्ट अटैक जिससे हो सकता है, या स्ट्रोक हो सकता है, या आपका जो है कार्डियक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, जीबी सिंड्रोम होता है, तो बट ये बहुत ही रेयर है, 10-15 per million, मैं हर 10 लाख में 10 से 15 रिपोर्टेड है, तो अगर हम 14,000 लाइफ हर 10 लाख में बचा रहे हैं तो 10 से 15 सेक्रीफाइस कर सकते हैं हम, वो जो है ह्यूज बेनिफिट है। अगर रिस्क बेनिफिट एनालिसिस हम यहाँ करें तो बेनिफिट इज ह्यूज, रिस्क इज लो, बट एट द सेम टाइम अगर किसी को कोविड एक बार हो चुका है, जो कोविड रिकवर्ड है इंडिविजुअल्स, उनमें जो है री इन्फेक्शन के चांस बहुत ही रेयर हैं। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने अभी डेटा रिलीज किया था, 40 लाख लोगों में कंफर्म री इन्फेक्शन सिर्फ 53 था, प्रोबेबल री इन्फेक्शन को भी कि हो सकता है इनको री इन्फेक्शन हुआ 0.4% टोटल था, सो री इन्फेक्शन रेट्स आर वेरी लो, एंड जिनमें री इन्फेक्शन होता भी है सीवियरिटी ऑलमोस्ट न के बराबर है, सो उनको अगर मैं वैक्सीन दे रहा हूं तो एडिशनल कोई बेनिफिट अभी तक नहीं है, तो एक ये हो गया कि वी आर वेस्टिंग आवर रिसोर्सेज उनको देके। दूसरा है इट्स अनएथिकल आल्सो, अनएथिकल इसलिए है क्योंकि अगर एडिशनल बेनिफिट नहीं है बट वैक्सीन एसोसिएटेड जो नोन रिस्क है, मैं भी 10-15 जो डेथ हो रही है या सीवियर इवेंट्स हो रहे हैं वह यहाँ पे है, एडिशनल बेनिफिट नहीं है, यहाँ लोग 15,000 नहीं मर रहे हैं, ससेप्टेबल पॉपुलेशन में तो 50,000 मर रहे थे तो वहाँ बेनिफिट था, यहाँ पे कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं क्योंकि इनको सीवियरिटी नहीं हो रही है, और बट ये दे आर एट द रिस्क ऑफ डाइंग 10 से 15, यहाँ 10 से 15 भी इस रिस्क बेनिफिट एनालिसिस में रिस्क इज मोर एंड सेवरल टाइम मोर हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं कोविड रिकवर्ड को करूँ। जो बेसिक प्रिंसिपल है मेडिसिन का, डू नो हार्म, सो दिस इज अगेंस्ट आवर बेसिक प्रिंसिपल, सो अनएथिकल भी है, सो सेकेंड इट्स इरेशनल क्योंकि कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है, इट्स अनएथिकल क्योंकि रिस्क एंड बेनिफिट एनालिसिस मैं करूं तो रिस्क इज मोर। डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यहाँ पे हैं, वह भी इस पे मैं कमेंट चाहूंगा कि जो भी मैंने कहा है, कोई भी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट से मैं चाहता हूँ कि जो मैं कमेंट्स करता हूँ उस पर थोड़ा सा ओपिनियन लेना चाहता हूँ। एंड थर्ड वन इज अनसाइंटिफिक है, क्योंकि अगर हमारे पास एविडेंस है कि जिन लोगों को कोविड हो चुका है दे आर बेटर प्रोटेक्टेड, तो जिनको वैक्सीन हम दे रहे हैं उनको वैक्सीन, और जिनको कोविड हो चुका है कोविड रिकवर्ड को हम मॉनिटर करते रहते कुछ समय तक के लिए, और ये देखते हैं कि क्या वैक्सीन का लॉन्ग टर्म कोई बैड इफेक्ट है। 22 वैक्सीन आज तक हम अप्रूव कर चुके हैं, टोटल 320 वैक्सीन आर इन द डिफरेंट फेजेज ऑफ द डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड, 22 को ऑलरेडी अप्रूव किया जा चुका है, तो इन 22 वैक्सीन सभी जो है मिरेकल नहीं करेंगी, कुछ के बैड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, तो फॉर साइंस एज ए साइंटिस्ट एज ए डॉक्टर इट्स माय मॉरल रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट साइंस, और उसके लिए जो है हमें अगर एक कंपेरेटिव कंपेरेटर रहता है, एक ग्रुप ऐसा जो बेटर प्रोटेक्टेड है उसको हम मॉनिटर करते रहते तो वैक्सीन से एसोसिएटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम ये होती है तो हम बता सकते हैं, सबको हम इनाकुलेट कर देंगे तो हमारे पास कोई कंपेरिजन के लिए नहीं रहेगा, तो हम कभी भी नहीं जान पाएंगे कि वैक्सीन का कितना बेनिफिट ज्यादा मिला, कितना जो है नुकसान हुआ, किसी भी ड्रग का नुकसान हो सकता है बेनिफिट हो सकता है, तो फॉर साइंस के लिए भी आल्सो जो है मैं ये कहूंगा कि उस ग्रुप को नहीं देना था, उनको प्रोटेक्ट करना था। सो विथ थ्री दिस पॉइंट इरेशनल, अनएथिकल और अनसाइंटिफिक, और इसको जो है हमें साइंस को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये जो है अभी डॉक्टर स्वदीप ने कहा था वैक्सीन हेजिटेंसी, वैक्सीन हेजिटेंसी शुरू में हमें लगा था, मैं भी कई शो में पार्टिसिपेट किया हूँ कि वैक्सीन हेजिटेंसी पहले भी रहा है, बट दिस इज नॉट वैक्सीन हेजिटेंसी, इफ दिस इज द इरेशनल यूज ऑफ वैक्सीन को अगर आप प्रमोट करें एंड तब लोग ना लगवाएं तब हम कहें कि दिस इज वैक्सीन हेजिटेंसी, नो। सो समटाइम्स तो मुझे ये लगता है कि आई पार्टिसिपेट इन सेवरल टीवी शोज ऑन वैक्सीन हेजिटेंसी, कि मैं भी जो हूँ या जो है किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण से मैं पार्टिसिपेट करके, और मैं भी कि वैक्सीन हेजिटेंसी है इसको रिमूव किया जाए, मैं पार्टिसिपेट करता रहा हूं। नाउ आई एम रियलाइजिंग कि दैट वाज कंप्लीटली रॉन्ग।
साइंटिफिक एविडेंस पे हम नहीं काम कर रहे हैं, साइंस को हम नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो भी एविडेंसेज हैं हमें साइंस को सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए डॉक्टर, एज ए साइंटिस्ट, एज ए रिसर्चर, दिस इज माय मॉरल रिस्पांसिबिलिटी, सोशल रिस्पांसिबिलिटी, और इसलिए जो है मैं चाहता हूं कि साइंस को हमेशा प्रोटेक्ट किया जाए। तो 100 करोड़ इज नो डाउट ग्रेट अचीवमेंट और ये करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में शायद इसकी लर्निंग को हम यूज करेंगे, बट सबको वैक्सीनेट कर दिया जाए, रिमेनिंग लाइक डॉक्टर सुदीप सेठ की 43% ही पार्शियली वैक्सीनेटेड, उनको फुली वैक्सीनेट कर दें, उनका क्या इम्पैक्ट होगा आई डोंट नो। कि 100% पॉपुलेशन को आज तक कभी किसी ने वैक्सीन कहीं भी नहीं होता है, कोई भी पॉपुलेशन नहीं होता है इतने खर्च के बाद, और ह्यूज एट द कास्ट ऑफ ह्यूज एक्सपेंडिचर एट द कास्ट ऑफ अदर प्रोग्राम्स, तो उसकी जरूरत नहीं है। जी हाँ, वेरी वेल पॉइंट सर, वेरी सर। सर स्टेट ऑफ गोइंग टू डॉक्टर बनर्जी सर, डॉक्टर प्रोफेसर संजय राय ने सर ही मेड सर्टेन ऑब्जर्वेशंस एज वेल एज एलिगेशंस, बट आई वुड से दे वर मोस्टली ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन हिज साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग दैट ये सही है या ये गलत। सर व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन पर्टिकुलरली ही हैज बीन रेजिंग दिस इशू इन for such a long time that why are we not prioritizing vaccination the way we should? So what is your view on that, Dr. Banerjee? Thank you, Dr. Swadeep. आप वैक्सीन हेजिटेंसी की बात कर रहे हैं। जब अंकित ने मेरे को बोला आपको पैनल डिस्कशन करना है 100 करोड़ वैक्सीनेशन पे, तो मेरे को पैनल हेजिटेंसी हो रहा था कि बिकॉज इट इज सच अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। मैं बोला भाई मैं आई एम अनकम्फर्टेबल बिकॉज जो मैं बोलो, तो फिर उन्होंने बोला कि दूसरे पैनलिस्ट डॉक्टर संजय राय है। मैंने बोला अगर डॉक्टर संजय राय है देन आई अग्री, बिकॉज आई हैव बीन वेरी आई हैव वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर डॉक्टर संजय राय बिकॉज ही स्पीक्स सेंस, ही स्पीक्स साइंस, ही स्पीक्स कॉमन सेंस। तो मैंने बोला अगर संजय राय है तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा, और तीसरा कोई होगा तो मैं अलग हो जाऊंगा। एनीवे अभी मैं बहुत अच्छा अभी आई गॉट अ वेरी गुड प्रीवियस सेशन में बात हो रहा था माइंडफुल ईटिंग, डॉक्टर नाजरीन और डॉक्टर मंजरी ने बहुत अच्छा सेशन लिया, एंड दिस माइंडफुल ईटिंग इज आल्सो वेरी स्ट्रांगली रिलेटेड टू कोविड बिकॉज ओबेसिटी इज अ वेरी स्ट्रांग प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी गिव 70-80% प्रोटेक्शन फ्रॉम सीवियर डिजीज, ये जो डेटा कहता है। तो अगर हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे को वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। फिर मैं एक सोच रहा था कि माइंडफुल ईटिंग से वी कैन एक्सटेंड टू इंस्टेड ऑफ मास वैक्सीनेशन माइंडफुल वैक्सीनेशन, जो कि संजय राय एंड व्हाट अभी हम अन्नाधुन कर रहे हैं, हम सबको वैक्सीनेट कर रहे हैं। और मैं सहमत हूँ, देखिए जून का जो सर्वे है ICMR का ही सर्वे है, उसमें आपका 90 करोड़ पीपल ऑलरेडी हैड एंटीबॉडीज, नेचुरल एंटीबॉडीज फ्रॉम नेचुरल इन्फेक्शन, बिकॉज उस टाइम वैक्सीनेशन कवरेज वाज जस्ट 5% इन द मंथ ऑफ जून। तो अच्छी बात है, अभी 100 करोड़ को लगा दिया, पहला डोज हमको मिल गया नेचुरल इन्फेक्शन से, दो डोज हमारे ऑलरेडी हो गए, तो दैट इज वेरी गुड आई वुड से। और अगर माइंडफुल वैक्सीनेशन करेंगे तो वी शुड गिव क्रेडिबिलिटी, कोई अभी इतने भी मॉडल्स बना रहे हैं ये नेचुरल इन्फेक्शन को कोई नहीं डिस्काउंट कर रहा है, जबकि इसराइल के अभी स्टडीज है जिसमें 13 टाइम्स मोर रोबस्ट इम्यूनिटी इज गिवन आफ्टर नेचुरल इन्फेक्शन, बिकॉज अगर वो डेल्टा वेरिएंट भी आता है, डेल्टा प्लस भी आता है, नेचुरल इन्फेक्शन से पूरा वायरस एक्सपोज होता है इम्यून सिस्टम से, और वैक्सीन से खाली स्पाइक प्रोटीन होता है, और जब म्यूटेशन होता है ओनली 1-2%, 98% वायरस रिमेन सेम। तो जिसको नेचुरल इन्फेक्शन होगा ही और सी विल बी प्रोटेक्टेड फॉर लॉन्ग टर्म अगेंस्ट द वेरियस वेरिएंट्स म्यूटेंट्स आल्सो, और जबकि पर्टिकुलरली फॉर यंगर एज ग्रुप, पर्टिकुलरली दोज हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम नेचुरल इन्फेक्शन एंड दोज हु आर वेरी यंग चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स, उनमें तो रिस्क इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और हमारे जो सीरो सर्वे में पता है इवन 60-70% बच्चों को भी दे हैव रिकवर्ड। तो हम ये स्ट्रेस देंगे कि वी शुड हैव माइंडफुल वैक्सीनेशन, एंड माइंडफुल वैक्सीनेशन डज नॉट लिमिट टू ओनली कोविड वैक्सीनेशन, वी शुड डू द पब्लिक हेल्थ मीन्स अदर डिजीज ऑल्सो। हमारे यहाँ डेंगू होते हैं, डेंगू का वैक्सीन नहीं है, वी शुड डू मोर रिसर्च इन दैट। टाइफाइड का वैक्सीन है, टाइफाइड ऑल्सो किल्स, जापानीज एनसेफेलाइटिस का वैक्सीन है, मीजल्स का वैक्सीन है, पोलियो का वैक्सीन है, BCG है, उसके ऊपर ज्यादा रिसर्च करना चाहिए। दैट ऑल्सो जो हमको जो 100 करोड़ कर सकते हैं तो हम बाकी डिजीज के भी 100 करोड़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल पब्लिक हेल्थ हमारी प्रायोरिटीज बनाने चाहिए, दैट वुड नॉट लिमिट टू ओनली वन डिजीज वेयर द सर्वाइवल इन इंडियंस आर मोर देन 99%। सो वंडरफुल पॉइंट सर, सो यू अगेन डेफिनेटली यू रिएट्रेट
on the mind when you, and it's a new term but very apt term, mindful vaccination. Abhi 10 minute pehle pata chala mere ko mindful nutrition se maine mindful vaccination. Aapne usko summarize kar diya jo Dr. Sanjay Rai ke point of view aur bahut sare aur public health experts ke point of view rahe hain sir. Ye discussion to sir hame lagta hai ki hame aur bhi is pe aur sessions karne chahiye because it's very interesting and definitely make a headline what you said today mindful. Oh, mera copyright kar dijiyega mindful. Main wo copyright se kara dunga sir. And sir wo definitely. So before I move to the last question, Dr. Rai, you have been reiterating, aap baar baar ye baat hamesha kehte rahe hain ki hame prioritize karna chahiye vaccination ko. तो कोई ऐसे ग्लोबल एग्जांपल्स हैं सर किसी और कंट्रीज में या फिर क्या रीजन है कि हम शायद इंडिया में अभी अपने देश में चूंकि हम बहुत इंथुजियास्टिक हैं कि पहले वैक्सीन लगाओ वैक्सीन लगाओ वैक्सीन लगाओ, पहले तो हम इंथुजियास्टिक थे वैक्सीन लाओ वैक्सीन लाओ वैक्सीन लाओ, अब हम लग गए वैक्सीन लगाओ लगा लगा, तो उसमें हम कहां मिस कर जा रहे हैं सर ये प्रायोरिटाइजेशन को? डॉक्टर सुदीप अच्छा क्वेश्चन है, हम क्यों मिस कर जा रहे हैं? किसी भी डोमेन एक्सपर्ट की मैं बात करता हूँ, कोई भी डिजीज होती है तो उसका डोमेन एक्सपर्ट्स ऑलरेडी नोन होते हैं, स्पेशलिस्ट नोन होते हैं. क्या किसी मैं नोन डोमेन एक्सपर्ट को जानना चाहता हूं पूरी दुनिया में जो ये कहते हैं कि वैक्सीन जो है सबको नेचुरल इन्फेक्शन के बाद भी लगा देना चाहिए? बाकी सभी कहते रहते हैं तो सभी बहुत कुछ कहते रहते हैं, हम हर चीज को डिस्कस नहीं कर सकते. मैं साइंटिफिक डिस्कशन उसी को मानता हूँ जो उस डोमेन एक्सपर्ट्स कहते हैं. जैसे अगर डॉक्टर अमिताभ बनर्जी कुछ कहते तो मैम ने उस पर सोचने को मजबूर होता कि रियली मैंने जो कहा है कहीं से वह गलत तो नहीं है. तो एक जहां तक एग्जांपल्स की बात है, पूरा यूरोपियन यूनियन, इजराइल जो है जो इम्यूनिटी सर्टिफिकेट इशू करता है, तीन कंडीशन है उनके इशू करने के. एक तो है फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, जो अप्रूव्ड हो WHO द्वारा वैक्सीन उनमें. सेकेंड है रिकवरी सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो एटलीस्ट रिकवरी सर्टिफिकेट को आनर करते हैं. थर्ड जो है RT-PCR विद इन 72 डेज जो है निगेटिव होना चाहिए. इन तीनों में कोई भी फुलफिल होता है सो वह अलाउ करते हैं आप पूरे यूरोपियन यूनियन में. एक दूसरा जो है इवन इंटरनेशनल ट्रेवल के ट्रेवलर्स के लिए भी जो है अगर कोविड रिकवरी सर्टिफिकेट है तो इसराइल एंड मेजॉरिटी ऑफ यूरोप के कंट्रीज जो है उसको आनर करते हैं अलॉन्ग विथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट. US नहीं करता है, क्यों नहीं करता है यह एक अलग से डिबेट हो सकता है और हम कोई जरूरी नहीं कि US जो फॉलो करे उसी को करे. US बहुत कुछ करता है, अभी तक जो लगता है US का मॉडल कंप्लीटली बिजनेस बेस्ड मॉडल है. शुरू से कोई भी मॉडल उनका देख लीजिए, वह जो बिजनेस मॉडल है तो उस मॉडल को जो है एटलीस्ट ह्यूमन पे ट्रायल करके हम बिजनेस मॉडल नहीं कर सकते. हम मॉडर्न मेडिसिन की हमेशा बात करते थे कि ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है. सो एविडेंस नाउ वी हैव जनरेटेड. हम भी जब शुरू में आए थे आप मैं हिल फाउंडेशन के ही कई वेबिनार में कर चुका हूँ, पहले भी मैंने कहा है कि वैक्सीन जो है एक प्रोटेक्ट करता है, विल अचीव हर्ड इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन एंड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन. मैंने कहा था आज से 8 महीने पहले, मैंने आपके यहाँ ही कहा था कि दोनों से होगा. मैं अब उस स्टेटमेंट को भी रिवाइज करता हूं क्योंकि मोस्ट लाइकली विल अचीव हर्ड इम्यूनिटी ओनली थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन, नॉट थ्रू वैक्सीनेशन. वैक्सीन इज नॉट प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन. अगर वैक्सीन इन्फेक्शन प्रिवेंट करता तो किसी भी कंट्री में, अभी देख लीजिए पिछले 2 महीने से सिंगापुर क्या है, सिंगापुर में जो है करीब 78% वैक्सीनेशन, 2 महीने पहले फुल वैक्सीनेशन हो चुका था और आज जो है सारे केसेस जो है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहे हैं. अभी CDC ने डेटा रिलीज किया है मैस्चूट का, US में जो केसेस बढ़ रहे हैं मैस्चूट में जुलाई मंथ में जितने न्यू केसेस हुए उनमें जो है आपके जो है 73.5% के आसपास जो है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है. ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब 2 डोज लेने के 2 हफ्ते बाद. तो ये शो करता है कि वैक्सीन इज नॉट प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन. हाँ, व्हाट एवर एविडेंस वी हैव वी कैन से वैक्सीन इज रिड्यूसिंग सीवियरिटी एंड डेथ इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन, नॉट इन ऑल पॉपुलेशन. जो ससेप्टेबल है, ससेप्टेबल उनको जिनको इन्फेक्शन हो गया उनको ससेप्टेबल नहीं कहते हम. कई पब्लिकेशन जो है उनको भी वैक्सीन देने के बाद हम कहते हैं कि देखिए दे आर बेटर प्रोटेक्टेड. अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है. डॉक्टर अमिताभ बनर्जी ने जैसा बताया था कि इसराइल की एक स्टडी आई है,
1300% 10-20% छोड़ो कि वैक्सीन इज रिड्यूसिंग दे आर एट बेटर प्रोटेक्टेड देन द फाइजर वैक्सीन से उन्होंने कंपेरिजन करके वो स्टडी ये किया है और 2700% जो है सीवियरिटी कम होती है उनमें जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है। तो इन हम इसको क्यों इग्नोर करते हैं, मीडिया कवरेज इसको क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट दूसरे में है। हम एज ए साइंटिस्ट जो है इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप बैलेंस बिटवीन वेस्टेड इंटरेस्ट पीपुल और साइंस। ठीक है बिजनेस भी होते रहना चाहिए बट ओनली फॉर बिजनेस, साइंस को सप्रेस वो नहीं होना चाहिए एंड दिस शुड नॉट हैपन। Very right, sir. So, for in a pandemic situation or any normal situation also, we should move away from capitalism and move to consumerism. That is your very valid perspective, sir. And we also believe in that. That's why we have this Health for All show to take up these issues and educate the population more. जो important point आपके message का ये भी जरूर था कि vaccine infection नहीं prevent करता है, but vaccine severity or mortality जरूर prevent करता है। This is something which our viewers should not confuse. कि ये भी important है कि infection नहीं prevent करता है, but severity और mortality जरूर prevent करता है। इसके evidence हैं। Susceptible population. Population. इसके evidence हैं। And that is something which everybody should understand and go for vaccination. Sir, we want to do more such sessions after 14 November, sir. I'll come and meet you and decide on various topics what we do the sessions on. But before we end this, I would like to have one last word from Dr. Banerjee, where Dr. Rai also touched on herd immunity. So we have almost one data was that 3.4 crore of infections, 100 crore vaccinated. Now, latest data shows that our infection has gone below 2 lakhs. So the question is, are we now actually moving towards herd immunity in the right direction? What and that will mean that a pandemic is will become endemic, or what would be your message on that, sir? It has become endemic already. Right, very well point. And can you explain for the viewers, sir, what does that mean exactly when you say endemic? Endemic means ki it will not be a public health problem. Chote mote cases hote rahenge, kyunki kya hai na abhi movements bahut hote hain. एक पहले जमाना था जैसे अभी टीवी में भी बताया कि फ्लाइट्स हो गए, ये हो गए, मिक्सिंग ऑफ पॉपुलेशन बहुत होते हैं, पर्टिकुलरली जो अर्बन सेंटर्स है, सिविक सेंटर्स है, मेट्रोज है, लॉट ऑफ माइग्रेंट पॉपुलेशन। तो हर्ड इम्यूनिटी हो भी जाता है तो बीच बीच में केसेस होते रहेंगे, नए लेबर आएंगे, नए लोग आएंगे जाएंगे। तो जैसे ताश के पत्ते है बार बार सफल हो जाता है तो वो पूरा हमारे ट्रम्प कार्ड मिक्स हो जाते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी हमारा ट्रंक कार्ड है। तो बट बल्क ऑफ पीपल विल हैव, तो स्पोरेडिक केसेस होंगे, दे विल नॉट बी रिलेटेड एंड दे विल नॉट ट्रिगर आउटब्रेक्स, सो इट विल बी मैनेजेबल। जैसे अभी हमको लो टाइफाइड होता है, कुछ को टीबी होता है, कुछ को मलेरिया होता है, कुछ को डेंगू, तो जिंदगी चलती रहती है, वी डू नॉट स्टॉप लाइफ। सो सिमिलरली दिस विल बी, एंड इफ यू सी द फेटेलिटी रेट, इसका 99.9899 सर्वाइवल है अप टू द वर्किंग क्लास। वे एल्डरली जो बेडरिडन है उनमें 3% मोर्टालिटी है। तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन का ये होता है, सो इफ यू कंपेयर विद अदर स्टैटिस्टिक्स दिस शुड नॉट बी अ मेजर प्रॉब्लम नाउ। इकट्ठे केसेस हो गए थे, इवन माइनर केसेस इकट्ठे होते तो हॉस्पिटल सर्विसेज ओवरवेलम हो जाते, तो अभी वैसा केस नहीं होगा। और अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके वो पैनिक लेवल बढ़ गया था, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट सेकेंड वेव में सब हॉस्पिटल क्राउड कर गए थे, तो सीरियस केसेस को भी शायद ऑक्सीजन नहीं मिला होगा या बेड नहीं मिला होगा। एक स्टैम्पीड जैसा हो गया था, मेडिकल स्टैम्पीड, भगदड़ मच गई थी। तो वो वाज मोर टू पैनिक। अभी ये घर में भी ट्रीट हो जाएंगे, खाली जिसको रिस्क फैक्टर है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट लगेगा। तो एंडेमिक मीन्स इट विल बी मैनेजेबल एज अ नॉर्मल हेल्थ एनी डिजीज लाइक एनी अदर डिजीज। वंडरफुल सर, एंड इट वाज इंडीड अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, स्टिल लॉट ऑफ पॉइंट्स टू डिस्कस व्हिच वी विल कीप टेकिंग लेटर ऑन, एंड माय प्रॉमिस टू यू सर दैट वी विल रजिस्टर इट इन योर नेम, दैट इज माइंडफुल वैक्सीनेशन। हां एक पॉइंट और जोड़ दो, सर ने कहा यस यस 100 नहीं 200% डॉक्टर अमिताभ बनर्जी से मैं एग्री करता हूं कि ये जो ये कंट्रोल है, पिछले आप दिल्ली का देखें, पिछले 3 महीने से जो है 2 डिजिट में केसेज आ रहे हैं, 28,000 केसेज अप्रैल लास्ट में आए थे पर डे। तो क्या जब से केसेस कम हुए हैं 5% भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, वैक्सीन जो है इन्फेक्शन नहीं प्रिवेंट कर रहा है, सीवियरिटी प्रिवेंट कर रहा है। सो दिस कंट्रोल इज कैसे हो गया,
कोई वैसी लॉकडाउन नहीं है, कुछ नहीं है। जब सीरियस लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन था, पूरी कंट्री बंद थी, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, 25th of March जब इम्प्लीमेंट हुआ, उस समय दिल्ली में 3-4 केसेस पर डे आ रहे थे, जो बढ़ के स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में भी पहुंच गए थे 3800 केसेस पर डे विथ 40% के आसपास जो है पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया था मई जून 2020 दो तीन महीने के अंदर ही, जो है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बावजूद भी, क्योंकि ससेप्टेबल पॉपुलेशन था, उस समय नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ था। अब जो है जो अभी कंट्रोल हुआ, अचानक कंट्रोल हो गया, जबकि कोई लॉकडाउन भी नहीं है, वो इसलिए कंट्रोल हो गया क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन सबको हो गया, और जिस एरिया में हुआ चाहे वो धारावी हो वहां पे नहीं हुआ, तो इसलिए जो है ऑलमोस्ट वी हैव अचीव्ड हर्ड इम्यूनिटी इन मेजर सिटीज ऑफ दिस कंट्री, और ग्रेजुअली जो है हम हर जगह भी कर लेंगे। केरला में कम था, सीरो सर्वे बता रहा है कि 44% वहां पे सीरो पॉजिटिविटी थी, दिल्ली में मोर देन 80% है, तो हम लेते रहे कि 2 करोड़ लोगों को हमने दिल्ली में भी लगा दिया, बहुत खुश होते रहे। इट्स अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। वेल पॉइंट सर, वेल पॉइंट सर, थैंक यू सर, एंड दैट आल्सो गिव्स अ साई ऑफ रिलीफ टू ऑल आवर व्यूअर्स। वी हैव रीच्ड एंडेमिक, वी आर ऑल नियरिंग हर्ड इम्यूनिटी, एंड दैट इज एंड बाय नेचुरल इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन। Again, my end message, vaccination is also important and one of the most important thing everybody should go for, because it reduces the severity of the disease and mortality. thank you, sir. With this message, sir, I will like to end this session, and thank you again, both of you, sir, Dr. Rai, Dr. Banerjee. It was wonderful. I'll like to play the quiz of the day on vaccination. Yes, quickly. So the quiz of the day is on what is the additional dose of vaccine given to a person post their dosage called an additional dose, extra dose, power dose, or a booster dose. Sir, booster dose se mujhe yaad aaya, Dr. Sanjay Rai, we need to do a separate session on this also, sir, because you also have point of view, so maybe we'll do a separate session on that. Already hum jo hai booster dose pe bhi study kar hi rahe hain.